सकते हैं। मीडिया हलचल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी और जितने सारे लोग अभी मुझे देखेंगे मैं उनसे भी कहूँगी कि आप लोग जाकर के मेरी प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ भी चुनाव रहता है वहीं पर चली आती है काबा करने। बिहार में चुनाव था तो बिहार में काबा करने चली आई थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यूपी में काबा करने चली आई है। पर पिछले 1.5 या 2 सालों से मैं भोजपुरी लोकगीतों पर काम कर रही हूँ और मैं मुझे पॉलिटिकल सटायर लिखने का ज़्यादा शौक है। जो विपक्षी दल है, हम राजनीति की बात करें, जो विपक्षी दल है, वे अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी आपका ये गाना बजाया गया और अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक हैंडल से उन्होंने आपकी इस वीडियो को कुछ अपने भाषा में भी आपके गाने की तरह लिखते हुए उन्होंने पोस्ट किया है। मैं तो ये कहूँगी कि ये तो क्या बोलते हैं, हमारे काम का सम्मान है कि लोग इसको समझ पा रहे हैं, बड़े मंचों पर भी लोग इसको शेयर कर रहे हैं। पर एक चीज़ जो लोगों ने कहा मुझे, लोगों ने तो मैं क्या ही कहूँ, आईटी सेल ने मैं बोलूँगी, कहा कि ये तो विपक्षी पार्टी के लिए गीत गा रही है, अखिलेश यादव के लिए गीत गा रही है। जबकि एक जो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कहाँ पे था, मुझे लखनऊ में था, तीन दिन पहले प्रोजेक्टर पे पीछे वीडियो मेरा चल रहा है, अखिलेश यादव जी को मीडिया के बंधु बता रहे हैं कि ये कोई बिहार की लड़की है और उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अच्छा ये तो इसका इंडिविजुअल टैलेंट है, समाजवादी पार्टी ने तो इसको बनवाया नहीं है, और लास्ट में सबसे कहते हैं कि चलो अब अपना वाला गाना बजाओ। ठीक, तो इससे तो साफ हो जाता है कि उनका गाना मैं नहीं गा रही हूँ, इससे तो साफ हो जाता है ना। तो मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, मैं किसी भी विपक्षी पार्टी की एजेंट हूँ या फिर सपा ने मुझे पैसा दे के खरीदा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बड़ा सपा ने तुमसे गाना गवाया है। तो मैं और लोगों को बता दूं कि उस वीडियो की क्वालिटी देखिए वो कितनी लो क्वालिटी की है। उसमें मैंने जो साड़ी पहन रखी है, हरे कलर की चूड़ी पहन रखी है, किसी में लाल कलर की चूड़ी, न सिर का पल्लू संभल पा रहा, मम्मी की कोई एकदम पुरानी सी साड़ी पहन रखी है, उसकी वीडियो क्वालिटी को देख करके आप समझ जाइएगा कि वो कोई फंडेड वीडियो नहीं है। अखिलेश जी ने अपने फेसबुक हैंडल से आज आपकी वीडियो को पोस्ट भी किया है। शुक्रिया, उन्होंने मुझे मेरा गाना शेयर किया, मेरे काम को इतना सम्मान दिया है, मैं तो शुक्रिया कहना चाहूँगा। अरे मंत्री के बटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, ए बाबा का बा। नेहा सिंह राठौर के 500 रुपए में खर्च करके गाना बनाया गया, सत्ताधारी दर हिल गए, ए बाबा का बा, यूपी में का बा। पिछले 1.5 या 2 सालों से मैं भोजपुरी लोकगीतों पर काम कर रही हूँ अब चुनाव उनाव का माहौल है तो चीज़ें थोड़ी वायरल हो जाती हैं, लोग हाथों हाथ ले। ये लोग मुझे हमेशा से ही ट्रोल करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी आपका ये गाना बजाया गया। हमारे काम का सम्मान है कि लोग इसको समझ पा रहे हैं, बड़े मंचों पर भी लोग इसको शेयर कर रहे हैं। पर कि ये तो विपक्षी पार्टी के लिए गीत गा रही है, अखिलेश यादव के लिए गीत गा रही है।